आज हम इस वीडियो में कन्वर्ट करने वाले हैं जावा प्रोग्राम में इंटीजर टाइप को स्ट्रिंग टाइप में। कोई भी इंटीजर वेरिएबल होगा उसे हम स्ट्रिंग वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। सो इसे कैसे करेंगे, हम यहाँ पर चले जाते हैं वीएस कोड में, यहाँ पर जावा फाइल बना लेते हैं हमारी, इसका नाम डाला इंट टू स्ट्रिंग डॉट जावा। सो यहाँ से हमारा मेन फंक्शन। तो सबसे पहले हमें इंटीजर चाहिए होगा, सो इंटीजर हमने ए ले लिया जिसकी वैल्यू मैंने दे दी लाइक 100। एंड अब इसमें एक स्ट्रिंग ले लेते हैं हम str, नाउ उसकी वैल्यू भी मैंने दे दी है 100। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं पहले तो। सो इसमें मैंने क्या करा, ए को प्रिंट किया एंड उसमें ऐड कर दिया मैंने लाइक 1000 उसमें ऐड किया। ए हमारा इंटीजर टाइप था एंड यहाँ पे मैंने इंटीजर टाइप ही प्रिंट किया है। सो अगर हम ऐसे ही से प्रिंट करें, अब रन करेंगे, सो यहाँ पर ये ऐड हो जा रहा है, 1100 बन गया। सो अब इसे कैसे सही करेंगे हम, यहाँ पर जो हमारा ए है, नाउ अगर हम यहाँ पर str के साथ इसे ऐड करें, str में है 100 एंड यहाँ पर हमारा 1000। str के साथ अगर हम इसे ऐड करेंगे, स्ट्रिंग के साथ हमने डाला इंटीजर टाइप को, सो यहाँ पर हमारा इंटीजर टाइप था एंड स्ट्रिंग के साथ ये ऐड हो गया। तो अब हम कन्वर्ट करेंगे इंटीजर को स्ट्रिंग में। तो अब क्या करते हैं हम यहाँ पर, सो यहाँ पर अब ले लेते हैं हम एक स्ट्रिंग str2 ले लिया हमने, इंटीजर टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इंटीजर डॉट एंड यहाँ पर यूज करने वाले हम टू स्ट्रिंग फंक्शन को, स्ट्रिंग एंड यहाँ पर आर्ग्यूमेंट देख सकते हैं int i एंड यहाँ पर हम पास कर देंगे है इंटीजर वैल्यू को, जैसे हमने ए रखी थी तो हमने यहाँ पे इंटीजर को पास कर दिया ए को। सो जो ए 100 है हमारा, ये इंटीजर टाइप है, ये टू स्ट्रिंग फंक्शन कन्वर्ट करेगा इसे एंड इसे स्ट्रिंग टाइप फंक्शन बना देगा। नाउ जब हम इसे ऐड करेंगे ए को 100 को किसी भी स्ट्रिंग के साथ, तो ये एक स्ट्रिंग है सो ये कंबाइन हो जाएगी दोनों के साथ। तो अब जैसे अब इसे हम प्रिंट कर लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंड यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं str को, जो हमने पहले ही स्ट्रिंग बनाई थी 100 को, उसके साथ हम ऐड करते हैं str2 को। सो str एंड str2 दो बोथ आर स्ट्रिंग्स। नाउ str2 में है a का, a में था 100, सो ये 100 जुड़ जाना चाहिए हमारे str किसके साथ, 100 str में था 100 एंड str2 में a के पास थी हमारे इंटीजर टाइप 100 जो कि कन्वर्ट हो गया स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे 100 एंड 100 जुड़ चुके हैं दोनों के दोनों। सो इजीली हम जो टू स्ट्रिंग फंक्शन की मदद से इसे कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी इंटीजर टाइप को स्ट्रिंग टाइप के अंदर। सो ज़्यादा वीडियोस के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।